नमस्कार, शेखी न्यूज पॉइंट लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूँ प्रियंका गुप्ता आपके साथ। और जिस तरह से जेके न्यूज़ पॉइंट के सभी टीम मेंबर्स आपको सभी न्यूज़ से अपडेट रखते हैं, अलग अलग इश्यूज़ पे बात करते हैं, लाइफस्टाइल स्टोरीज दिखाते हैं और भी बहुत कुछ दिखाते हैं, तो आज हमने सोचा कि क्यों ना आपको जम्मू की जादुई धरती पर ले जाया जाए। जी हाँ, आज हम आपको लेकर आए हैं जम्मू के उत्तर वैली में, जो डिस्ट्रिक्ट सांबा में स्थित है और परमंडल से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। और इस वक्त हम रणवीर सिंहेश्वर मंदिर में हैं, जो कि आपको सबसे खास बात इस मंदिर की बता दे कि भगवान राम जब 14 साल के वनवास के लिए निकले थे तो उन्होंने यहाँ पर विश्राम किया था। तो और भी बहुत कुछ जानेंगे, यहाँ का इतिहास जानेंगे, इस धरती के रहस्य के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आपने दर्शन किए भोलेनाथ के, 12 शिवलिंग यहाँ पर मौजूद हैं और साथ ही कहा जाता है कि बहुत बड़ा इतिहास है इस मंदिर का। तो चलिए बात करते हैं। पंडित जी, आपका स्वागत है जेके न्यूज़ पॉइंट में। मैं चाहूँगी हमारे दर्शकों को आप इस मंदिर के इतिहास के बारे में बताएं। देखो, इस मंदिर का नाम रखा है रणवीर सिंहेश्वर जी। ये भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी की ये बड़ी विशाल मूर्तियाँ हैं और भगवान शिव शंकर की भी मूर्तियाँ हैं, द्वादश लिंग है। इनको बोलते हैं ज्योतिर्लिंग। यहाँ 12 लिंग स्थापित हों उनको ज्योतिर्लिंग बोलते हैं। ये भगवान राम ने जब कोई अपने समय के मुताबिक 14 साल के विवास के लिए गए थे, तब उन्होंने यहाँ विश्राम किया था। इस उसी बेस पर ये मंदिर बनवाया गया है और ये परमंडल से तकरीबन 9 किलोमीटर की दूरी पर है। और उत्तर वैली के बारे में कुछ बताएंगे हमारे दर्शकों को। अच्छा, उत्तर वैली ये बहुत बड़ा तीर्थ है, जिसको पहले हमारे बुजुर्गों ने बताया है दूध की गंगा बहती थी। ये इतनी चौड़ी और लंबी चौड़ी ये छोटी नदी होती थी। ये इसका प्रारंभ हुआ है उधर शुद्ध महादेव से। ये उधमपुर में आई है ये गंगा को वहाँ से बहती हुई सुकौन में पहुँची है, वहाँ से परमंडल में आई है और परमंडल से ये उत्पन्न हुई है। ये बहती आ रही है उत्तरवैली। तो पंडित जी, कहा जाता है कि महाराजा रणवीर सिंह ने जब इस मंदिर का निर्माण किया तो जो निर्माण है वो अधूरा रह गया था, तो उसके पीछे क्या वजह है? अच्छा, हाँ, जब राया जी मंदिर घुमा रहे थे और बनाते उनका देहांत हो गया। देहांत होने के बाद इसकी प्रतिष्ठा तो कुलाई महाराज प्रताप सिंह की है। और फिर इसका 1999 में हमारे जी क्षेत्री थे धर्मतृत के, उन्होंने इनको पूरे को मेंटेन किया है, ऊपर से लेकर नीचे तक सीमेंट और जो इसका मेंटेन करना या रोगन करना उन्होंने करवाया। वो अभी उनका भी ध्यान, 200 साल से पुराना मंदिर है। हाँ, ये पुराना मंदिर 200 साल पुराना मंदिर है, जब राय रणवीर सिंह जी राज करते थे जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना कि जब महाराजा रणवीर सिंह यहाँ पर उनका राज था तो उस वक्त पर उन्होंने ये मंदिर बनाया था और उसके पीछे उन्होंने अपने इतिहास भी जाना कि भगवान राम जब 14 साल के वनवास के लिए निकले तो उन्होंने यहाँ पर विश्राम किया। और जिस तरह से राजा रणवीर सिंह भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त थे तो उन्होंने यहाँ पर राम जी के मंदिर के साथ साथ जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनकी भी स्थापना यहाँ पर की, जिसके आप सिर्फ एक्सक्लूसिवली जेके न्यूज़ पॉइंट पर दर्शन कर रहे हैं। और साथ ही अगर आप उत्तर वैली नहीं आए हैं तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। जादुई धरती है ये जम्मू कश्मीर की और जम्मू के डिस्ट्रिक्ट सांबा में ये मौजूद है। और गुप्त गंगा, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर गुप्त गंगा भी है, जो कि आप यहाँ की किसी भी मिट्टी को खोदेंगे तो वहाँ से आपको माँ गंगा के दर्शन हो जाएंगे। तो फिलहाल के लिए जेके न्यूज़ पॉइंट में इतना ही, और भी बहुत कुछ आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए जेके न्यूज़ पॉइंट के साथ। नमस्कार।